हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर सुशांत। तो ट्रेडर्स, मैं आपको एक अल्टीमेट ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको मैंने लगभग लगभग 80 टू 100 बार बैक टेस्ट किया है, और उसके बाद एक्सेल शीट पे मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया है, और उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद जो भी प्रूफ्स है और क्या क्या यूज़ किया, क्या स्ट्रैटेजी है, ये पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बनने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है, आपने डिसिप्लिन और ये स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो किया जैसे मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ वो सब अच्छे से फॉलो किया तो आपका ट्रेडिंग लाइन वो पक्का बदलने वाला है। कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं, कोई भी बंदे का इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन, प्योर इंडिकेटर, एकदम बेसिक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो फ्री में अवेलेबल रहता है, वो यूज करके मैं आपका पूरा जो भी ट्रेडिंग लाइफ है वो चेंज करने वाला हूँ, दैट फॉर श्योर। मैंने उसको लगभग लगभग 80 टू 100 बार बैक टेस्ट किया है, उसका पूरी चीजें मैंने मेंटेन की है एक्सेल शीट पे, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के लिए पूरा जरा भी स्किप मत कीजिए। तो ट्रेडर्स, आपके सामने मेरा एक्सेल शीट का ट्रेडिंग जर्नल है, इसमें सब मैं चीज़ें जो भी न्यू स्ट्रैटेजी उसको बैक टेस्ट करना होगा, और जो भी चीज़ें हैं मतलब रूल्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किया है, ये सब मैं मेंटेन करता हूँ। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ये बैक टेस्टिंग स्टार्ट किया था, और ये एक स्ट्रैटेजी मैंने मेरे एक दोस्त है उनसे सीखी थी, तो उसको मैंने बैक टेस्ट करना और ये सब चीज़ें यूज़ करना मेरे लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके साथ भी शेयर करना है और आपको भी कुछ प्रूफ दिखाना होता है। तो इसीलिए मैंने बैक टेस्टिंग के लिए ट्रेडिंग जर्नल मतलब स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई थी, और ये भी आप यूज़ कीजिए। अभी समझो मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी शेयर किया, सब प्रूफ दिखाया, तो भी आप डायरेक्टली मूव ऑन मत हो जाइए ये स्ट्रैटेजी पे। आप भी पहले अपने मोबाइल पे भी रहता है एक्सेल शीट का ऐप, लैपटॉप पे भी रहता है एक्सेल, गूगल का भी एक्सेल है, उधर आप बैक टेस्ट कीजिए जैसा मैंने किया है वैसे कीजिए, और आप खुद रियलाइज कीजिए, और उसके बाद ही कोई खुद का हार्ड अर्न मनी लगाना, क्योंकि मेरे पे भी मत ट्रस्ट कीजिए, आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के हार्ड वर्क पे ट्रस्ट कीजिए। तो अभी देखिए मैंने पहला किया है डेट लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है डे कौन सा है, उसके बाद स्टॉक और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में किया है कि स्टॉक में किया है, प्रॉफिट लॉस स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स, और डू यू फॉलो द रूल्स, और रीजन फॉर लॉस। तो ये मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो मैं मेरे नोटबुक में मेरे जो भी रीजंस है वो लिखते जाता हूं डे वाइज, और जो भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं हाईलाइट करके रखता हूं। तो ऐसे मैं रीजन से सीखता हूं, जो मिस्टेक है उससे सीखता हूं, और मैं नोटबुक पे लिखता हूं, जो मिस्टेक हाथ से लिखता हूं तो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा ब्रेन पे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो। तो अभी देखो स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स, तो ये क्या है, ये मेरा ओवरऑल जर्नल है, तो उसमें मोस्टली क्या करता हूं, मैं मोस्टली बहुत सारा अलग अलग स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करता रहता हूं और अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। मैं कभी भी मेरे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, और मैं जैसे जैसे मार्केट रहता है वैसे वैसे मैं मूवमेंट देता हूं। समझो कोई साइडवेज मार्केट है तभी आपका कोई ट्रेंडिंग वाला स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा। गाइस ये जो बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिए। देखो आपको कोई भी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी नहीं देता, ये जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं ये मे बी ट्रेंड के लिए अच्छा है, मतलब जो ट्रेंडिंग है स्टॉक ट्रेंडिंग है और जो भी इंडेक्स ट्रेंडिंग है मतलब बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग है, तभी ये आपको बहुत ही अच्छा सिग्नल देगा जब ट्रेंडिंग का है, और जब भी साइडवेज रहेगा तभी भी ये बताएगा कि कभी साइडवेज रहने वाला है। तो ये और मैं बोलता हूं कि जब मैक्स टू मैक्स मैं ट्रेंडिंग टाइम में ही ट्रेड करना चाहता हूं। लाइक अभी समझो कि आज बैंक निफ्टी समझो कि बीच में चल रहा था, जो भी बैंक्स के स्टॉक के रिलेटेड बहुत मतलब कोर्ट में केसेस चल रहा था, तो वो टाइम पे मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना स्किप करता था, और तभी मैं मोस्टली आइदर मैं निफ्टी में ट्रेड करता था और स्टॉक में ट्रेड करता था। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखना है, जिधर ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड आपको दिख रहा है, आप ट्रेंड के लिए 200 EMA भी यूज कर सकते हैं, आपको एक अच्छा ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया आ जाएगा। और बेसिकली क्या करना है, वन डे के टाइम फ्रेम में मूव ऑन हो जाइए और ट्रेंड देखिए ट्रेंड किधर जा रहा है, तो उससे आपको इफेक्टिव आइडिया आ जाएगा। तो अभी अपन बैक टू आते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने मेंटेन किया है, तो आप देख सकते हैं कि मंडे कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ किया है इधर, और मैंने स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया, स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया, निफ्टी 50 के सिर्फ स्टॉक में ट्रेड किया, और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल समझो कि आज डॉक्टर रेड्डी में कुछ तो न्यू खबर बाहर आ रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड करना चाहूंगा, और TVS मोटर ने कुछ नया लॉन्च किया है, और हिंदू लीवर है, और कोई भी ऐसा अच्छा समझो कि निफ्टी मेटल में कुछ, और क्रूड ऑयल एक दिन बहुत गिर गया, तो मैं मोस्टली क्या करूंगा, जो भी ऑयल के रिलेटेड स्टॉक है उसमें मतलब BPCL HPCL है उसमें ट्रेड करना चाहूंगा। ऐसे में ओवरऑल फंडामेंटल भी यूज करता था इंट्राडे में, वो बहुत इफेक्टिव था, मेरा हेक्टिक बहुत कम हो जाता था।
तो अभी ये इसके लिए मैं बेसिकली EMI यूज करता हूँ, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं बहुत सारा स्ट्रैटेजी कैसे कंबाइन करता हूँ, लाइक इनसाइड बाहर है, बहुत अलग अलग मेरा स्ट्रैटेजी है, लाइक 15 मिनट का है, उसके बाद लेवल्स कैसे है, फिबोनाची के लेवल के बेसिस पे मैं ओवरऑल सब चीजें यूज करता हूँ, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेता हूँ, ये बात। पर मैं सिर्फ ये स्ट्रैटेजी में EMI यूज किया था, और ये जो मनी है ये ट्रेडिंग व्यू का है, मैंने मेरा हार्ड अर्न मनी नहीं डाला था, मैं भी खुद पहला बैक टेस्ट करता हूँ, उसके बाद ही कोई भी स्ट्रैटेजी में अपना खुद का हार्ड अर्न पैसा डालता हूँ, ये बात ध्यान रखे। तो ये EMI था, EMI का ही स्ट्रैटेजी मैंने हर टाइम यूज किया है, और इसमें कभी कभी मैं फिबोनाची का लेवल्स भी यूज करता था, स्टॉप लॉस और लेवल्स, मतलब किधर मेरा पोजिशन एग्जिट करना है, ये मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में फिबोनाची के बारे में बताऊंगा, बट अभी के लिए जो EMI है, मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में। तो आपको ये स्ट्रैटेजी में क्या है अभी मैं मेरे यहाँ, तो अभी ये सब थोड़ा आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं गाइज, कि ये अपना ट्रेडर सुजन चैनल है, इधर आपका सब्सक्राइब का बटन रहेगा, सब्सक्राइब का बटन इजीली प्रेस कर दीजिए, और ये बेल का भी मतलब जो बटन है वो प्रेस कीजिए, जैसे ही मैंने कुछ अपलोड किया तो आपको जरूर नोटिफाई हो जाएगा। और ये वीडियो को लाइक करना भूलिए मत, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मैं कोई इंडिकेटर बेच रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ मैं, और कुछ एडिशनल चाहिए रहेगा तब भी मैं कुछ मतलब चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं उधर मेरा टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वो चीज़ें भी मत कीजिए। आप जो भी फ्री कंटेंट है वो भी आप देख लोगे ना, तो भी आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट है, ऑप्शन चेंज है, स्टॉक सिलेक्शन है, उसके बाद RSI, उसके बाद VWAP सबसे बेस्ट क्या है, हाइकनाशी क्या है, ये सब चीज़ें, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाने वाला है, मतलब एक ट्रेडिंग में आपको एक हाइक मिलने वाला है इंट्राडे के लिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बहुत वीडियो नहीं बनाया, बट फ्यूचर में मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट में भी फोकस करने वाला, तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। और अभी अपन आते हैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो ट्रेडिंग व्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन होता है, फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए, और आपको ये जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ, देखो EMI लगाना है आपको, EMI कौन सा लगाना है आपको, एक EMI लगाना है, मैं आपको इधर मूवमेंट पे लेके जाता हूँ सेटिंग में, और मैंने देखो कौन सा EMI यूज़ किया है, फर्स्ट फाइव वाला मतलब पाँच जो पीरियड से लेंथ है उसका EMI यूज़ किया है, उसके बाद 13 का किया है, और उसके बाद 26 का किया है, और मैंने वैसे कलर चेंज किया, ये मत ध्यान रखे ये 3 EMI वाला था पहले 10, 50 और 200, तो मैंने उसको मॉडिफाई करके ये कर दिया है, बट आपको मैं और एक EMI सजेस्ट करूँगा, वो है 200 EMI, उसको लगाइए, आपको फिर ट्रेंड पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको जब भी ट्रेंड पता करना है तो आप क्या कीजिए, आइदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए, और 200 जो भी मूविंग एवरेज है उसका हालचाल देखिए किधर जा रहा है, समझो ये नीचे, तो उसका जो भी स्टॉक है उसका ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ है, और तभी अपन सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ना कि बाइंग साइड में, कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आने दो अपन नहीं बाय करेंगे। इसका रीजन क्या है, देखो मैं थोड़ा ऑफ टू टॉपिक जा रहा हूँ, बट ये पॉइंट आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझो कि ये एक स्टॉक है मतलब 200 EMI के ऊपर चल रहा है, ये 200 EMI है ऐसा अपन गेस करते हैं, 200 EMI है ये, तो इसके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया ऐसा गेस कीजिए, और ये ऐसा ऊपर है, तो ये सब जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर, तो कैसा रहता है ना गाइज, जब भी ये अपर ट्रेंड में जा रहा है, अभी ये फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपको, समझो कि ये अपर ट्रेंड में जा रहा है, अपर ट्रेंड में जा रहा है, अपर ट्रेंड में जा रहा है, तो कैसा रहता है, जो रिट्रेसमेंट रहता है मतलब जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी वो कम रहता है, मतलब इसको समझो ये कभी भी रिट्रेस होगा, देखो स्टॉक में और इंडेक्स में और बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी ले लो फॉरेक्स मार्केट, रिट्रेसमेंट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में कभी ऐसा ऊपर जाएगा नहीं, तो उसको रिट्रेसमेंट होना ही है, समझो ये ऐसा रिट्रेसमेंट हुआ तो ये डायरेक्टली कैसा रहता, जो इफ समझो 200 EMI के ऊपर वाला स्टॉक है वो अपर ट्रेंड में जाने वाला है, तो जो रिट्रेसमेंट रहता है वो कम रहता है, और फिर जो ऐसा जाएगा फिर ऊपर, और मतलब जो बड़े वाले मूवमेंट है मतलब बाइंग के लिए वो ज्यादा स्पाइक करेंगे एज कंपेयर टू जो सेलिंग वाले, सेलिंग में मे बी वो सेलिंग में ना उसका जो भी पैटर्न रहता है, प्राइस एक्शन रहता है, कोई कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक नॉलेज है, वो वर्क नहीं करता, तो इसीलिए मैं कभी भी कोई भी बंदा रहेगा ना उसको मैं बताऊंगा 200 EMI के ऊपर है स्टॉक तो सेलिंग में कभी नहीं जाना, कोई भी इंडिकेटर बना, कोई भी इंडिकेटर ने बताने दो, कोई भी जो भी मतलब कोई भी मतलब रहेगा प्रोफेशनल बंदा कि ये सेल कर दो और 200 EMI के ऊपर है वो स्टॉक और इंडेक्स, तो उस दिन ऐसा गलती मत करना, ये बात तो ढूंढ मतलब बात ध्यान रखे,
बहुत ही की फैक्टर है, क्योंकि मैंने बताया समझो कि ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है तो जो सेलिंग का रहता है वो कम रहता है और बाइंग के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ऐसा ऐसा स्टॉक ऊपर जाता है राइट। तो अभी एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ होता है वो बेसिस पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कम रहता है, और सेलिंग में कभी सेलिंग में जा रहा है तो भी उसका वोलेटिलिटी अच्छा नहीं रहता, मे बी बहुत टाइम लगाता है, और मतलब वो मैं मेरे हिसाब से नहीं जाना वही बेटर है इफ 200 EMA के ऊपर स्टॉक के नीचे है, तो सिर्फ इफ 200 EMA के नीचे चल रहा है स्टॉक तो आप सिर्फ सेलिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढना ना कि बाइंग में। तो बेसिक पॉइंट क्लियर है आपको। तो अभी अपन आते हैं अपने इंडिया, देखो सबसे जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है मैं भी लर्निंग फेज में से गया हूँ, मैंने बहुत जो फॉरेक्स ट्रेडर है, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो भी अपने इंडियन यूट्यूबर्स है और जो भी आपको सिखाते हैं वो लोग किधर से सीखे हैं फॉरेक्स मार्केट, जो भी मतलब पहले ये सब चीजें फॉरेक्स मार्केट से सीखे हैं, तो आप कोई भी बंदा सक्सेसफुल है और उसका देखोगे तो वो बंदा कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता, सुपर ट्रेंड यूज नहीं करता, वो सिर्फ यूज करता है एक EMA यूज करता है। मैं तो ये ADX भी यूज नहीं करना चाहता, मेरे को सिर्फ EMA चाहिए और कैंडलस्टिक चाहिए और प्राइस एक्शन चाहिए, क्योंकि EMA ही मेरा जो भी इंडिकेटर है हायर हायर लोअर लो और जो भी कलर बार है वो EMA के बेसिस पे मैंने बनाया है। क्यों? मेरे को पता है कि EMA यही एक चीज है कि वो एक वर्क करने वाली है, प्राइस एक्शन यही की चीज है कि वर्क करने वाली, सुपर ट्रेंड ऐसा चीज है नहीं वर्क करती। इसका जो भी आप कभी भी ट्रेडिंग जर्नल में जाके उसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो बहुत ही कम आता है, तो बात समझ लीजिए मतलब कि 60-50-40 ऐसे रेंज में आता है, 40-60 इफ आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि 40-60 का उसका ये आता है प्रॉफिट 40 लॉस 60% आता है। तो और आप कभी भी EMA और ऐसा बहुत सारा अदर फैक्टर प्राइस एक्शन के बेसिस पर आओगे तो उसका प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा रहता है, 60-70-80 तक जाता है। तो अभी ये स्ट्रेटेजी का मेरे हिसाब से इसका प्रोबेबिलिटी है 80 के आसपास है, 80-75-80 के आसपास ही उसका प्रोबेबिलिटी जाता है, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस आपको 80% है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% चांसेस है, बट मेरे हिसाब से 80-75% चांस है कि आपका ट्रेड वो सक्सेसफुल होगा। मतलब इसका मतलब उसका बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो समझो आपने 10 ट्रेड लिए एक दिन में तो उसमें से 7 और 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल जाने वाले हैं, इफ आप मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे फॉलो करोगे तो। तो अपन अभी स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं, लेट्स गो टू स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में कैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया कि आपको बेसिकली क्या करना है, 5 EMA 13 EMA और 26 EMA लगाना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, और देखो EMA यही लास्ट यही चीज़ें चलने वाली है, क्योंकि मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका कभी मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था कि EMA क्या है, बट अभी अपन स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं, बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है ना, ये सबसे छोटा वाला EMA है, कौन सा है, 5 वाला EMA। उसके बाद बड़ा कौन सा EMA है, 13 वाला, उसका कलर क्या है, ब्लैक EMA, और उसके बाद 26। तो आपको आप अभी ये स्ट्रैटेजी में कैसे मैं ट्रेड करूंगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बात समझ लीजिए कि समझो कि जैसे ही अभी देखो ये जो मार्केट था ये चौपी मार्केट था, तो चौपी मार्केट के टाइम ट्रेड नहीं करना है वो कैसे पता चलेगा अपने को, ADX पता चलेगा। ADX और DI एक इंडिकेटर है, वो लगाइए। अभी देखो ये कितना एकदम ऐसा लाइन में देखो आपको पता चल जाता है कि एक साइडवेज मार्केट है, और आपको साइडवेज मार्केट है या नहीं और कौन से डायरेक्शन में वो पता करने के लिए मैं क्या चीजें यूज करता हूं, और मैं स्किप करने के लिए मतलब कि समझो कि साइडवेज है तो स्किप करने का वो स्टॉक में, और इसमें मैं करता हूं ऑप्शन चेन यूज करता हूँ। अभी बैंक निफ्टी मेरे को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन यूज करूंगा और उससे मेरे को पता चल जाता है। अभी देखो इधर से एक बड़ा मूवमेंट आया है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किधर ज्यादा है। अभी आप देखो कि ओपन इंटरेस्ट आपको देखो आउट ऑफ द मनी का, आप ये देखो आउट ऑफ द मनी का, ये देखो ओपन इंटरेस्ट कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये देखो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। और देखो जो इन द मनी के पुट्स वाले हैं उन लोग ने अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दिया है, उन लोग ने जो भी उनका पुट्स है वो पोजीशन से एग्जिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को पुट्स जो भी पुट्स है वो बेचने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को कॉल बेचने में इंटरेस्ट है, मतलब उन लोगों का ओवरव्यू है बाइंग के साइड में। और ये देखो इधर कुछ अनवाइंडिंग स्टार्ट हुआ नहीं, मतलब जो लोगों ने आउट ऑफ द मनी में कॉल बाय कॉल सेल आउट किया था वो लोग मतलब बेफिक्र है, उनको पता है मार्केट गिरने वाला है, तो उन लोग ने अनवाइंडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देखिए, और इधर अनवाइंडिंग हो रहा है। तो इससे मतलब क्या है, अपना ओवरव्यू सेलिंग साइड में रहेगा, बियरिश साइड रहेगा, बुलिश का कोई भी ट्रेड नहीं लोगे अपन, बुलिश का कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। तो अभी ये आपको इधर से मेरा एम ऐसा रहेगा। तो मैं ट्रेड कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं EMA में क्या पोजीशन देखूंगा, जब भी समझो कि EMA ने बाइंग के तरफ क्रॉसओवर दिखाया, मतलब कि देखो अभी सेलिंग का क्रॉसओवर मतलब क्या है कि समझो कि ये आप देखो सेलिंग का किधर से अपॉर्चुनिटी आया,
इधर से देखो, जो जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन वो ऊपर जाने लगा, किसके ऊपर जाने लगा, ब्लू के, ये ब्लू लाइन है 5 EMA का, तो उसको ऊपर जाना, तो इधर अपना सेलिंग का ट्रेड बनता है फर्स्ट, और उसके बाद किधर से रेड, किधर रेड भी इधर से क्रॉसओवर स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत इधर से। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, देखो क्रॉसओवर तो इधर से स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल आप इधर से ट्रेड कर सकते हो। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी में क्या है, देखो मैं अभी बहुत ही इन डीप जा रहा हूँ और बहुत ही मतलब आपको कंफ्यूजिंग लगा, मैं आपको बेसिकली फिर से बता रहा हूँ, आपको मार्केट साइडवेज है वो किधर से पता चलेगा, कोई कौन से भी डायरेक्शन है। पहली चीज है ADX, ADX आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, इससे आपको पता चल रहा नहीं, आप कंफ्यूज हो, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन चेन सबसे बेस्ट है। लोग सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करते हैं, उन लोगों को कुछ कैंडलस्टिक नहीं आता, कुछ इंडिकेटर नहीं यूज करते, इतना पावरफुल ऑप्शन चेन है। आप ऑप्शन चेन में माहिर बन चुके हो, माहिर बन गए तो आपको कुछ चीज यूज करने की जरूरत नहीं, कोई भी सुपर ट्रेंड और कोई भी बाय और सेल का सिग्नल, ये बात उतनी सच है, बात समझ लो, कोई भी चीज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको। ये चीजें आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे पर ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हो, आपको एक टाइम के बाद आप जब भी नॉलेजफुल हो जाओगे, नॉलेज गेन करोगे, तभी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट आएगा, ये जो बातें मैंने अभी बताई है। तो अभी ADX से आपको पता चलने जा रहा है, आप ऑप्शन चेन में जाके ओपन इंटरेस्ट देखिए, अनवाइंडिंग देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किधर ज्यादा किधर निकल रहा है, जो 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 पोजीशन थे वो किधर एग्जिट हो रहे हैं, तो वो देखो जिधर माइनस रहेगा मतलब क्या, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ चुका है। तो अभी देखो आप क्या करोगे, मेरे को ओपन इंटरेस्ट से क्या, ऑप्शन चेंज से क्या दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट से मेरे को क्या रियल हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इधर पोजीशन बना रहे हैं, मतलब कॉल सेलिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नीचे गिरेगा मार्केट, तो मैं क्या करूंगा सेलिंग साइड में। और क्रॉसओवर पहले किधर हुआ, जो ग्रीन है, जो ब्लैक है, ब्लैक किधर ऊपर आया, देखो ब्लैक इधर से ऊपर आया, तो ब्लैक ब्लू के किधर से ऊपर आया, इधर से, तो इधर मेरा एक ट्रेड बनता है, जिधर मैं क्या करूंगा, समझो मेरे को आज बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय करना है, और फ्यूचर बाय करना, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, बात समझ जाओ, और समझो कि निफ्टी 50 स्टॉक है, और मेरे को समझो इसका 1000 और 500 क्वांटिटी मैं ट्रेड करना है, मेरा कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट उतना है। देखो रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत सारे वीडियो है, वो जाके देखिए, 1:3, 1:4, 1:2, ये जाके उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, वो डिसिप्लिन आपको चाहिए चाहिए, वो डिसिप्लिन का वीडियो नहीं है, स्ट्रैटेजी है, और क्या एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और क्या है वो बताने का वीडियो है, तो राइट है। तो अभी ये देखिए कि इधर अपना स्ट्रैटेजी वेरीफाई होता है कि जो ब्लू लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन गया, तो इधर आपका समझो 500 का एपेटाइट है आपका, मतलब 500 के अपन बाय और सेल करते हैं, तो आपके कीजिए इधर, आपके कीजिए 250 क्वांटिटी क्या करोगे आप, सेल आउट करोगे इधर, क्योंकि इधर क्या हुआ, पहले आपका स्ट्रैटेजी वेरीफाई होने लगा कि क्या समझो क्या ब्लैक लाइन किसके ऊपर जाने लगा, ये ब्लैक लाइन है इस किसके ऊपर गया, ब्लू लाइन के, तो समझो कि इधर आपका फर्स्ट सिग्नल आया, तो इधर आप क्या करोगे 500 क्वांटिटी सेल आउट कर दिया आपने, तो आप वेट करिए, और कभी तक वेट करोगे जैसे ही जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के ऊपर कौन सा आएगा, रेड लाइन जाएगी, समझो कि जैसे ही रेड लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा इधर गई किधर, तो आपको और आपके 250 क्वांटिटी ऐड करना है, मतलब आपको इधर से आपने क्या किया, आपने पोजिशन बना लिया, और देखो मार्केट मूव हुआ, मार्केट फिर से इधर स्टडी हुआ, तो आपको इधर जाके लास्ट में मोमेंटम दिया। तो ऐसे ये बेसिक स्ट्रैटेजी कुछ करने के, मतलब पहले आपको जैसे ही ब्लैक लाइन ऊपर गई ब्लू लाइन के, तो आपको 250 क्वांटिटी ऐड करना है, और जैसे ही ब्लू और ब्लैक लाइन के ऊपर रेड लाइन गई, तो आपको क्या करना है, और 250 क्वांटिटी लगाना है, इफ आपका एपिटाइट 500 क्वांटिटी का है। तो अभी अपन और देखते हैं, अभी इधर देखिए, और ये सब चीजें मैं आइदर आप 15 मिनट पे कीजिए, और एल्स आप क्या कीजिए 5 मिनट पे कीजिए, तो 5 मिनट पे और अच्छे से सिग्नल आता है, 15 मिनट पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो मैं 15 मिनट पे था, पर 5 मिनट के भी ऊपर यूज कर सकते हो, और एल्स आप मल्टी टाइम फ्रेम से यूज कर सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, इफ हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग का सिग्नल आ रहा है, मतलब समझो कि अभी मैं जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर पे जाके देखिए कि बाबा हाँ सेलिंग पे ज्यादा फोकस है, तो मैं जो भी ट्रेड लूंगा वो सेलिंग पे लूंगा, और मैं 200 EMA भी देखूंगा, 200 EMA के नीचे है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर पे देखिए कि ऐसा मल्टी टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, तो 5 मिनट पे देखिए, अभी मेरा 5 मिनट पे देखो मेरा ओवरऑल जो भी ये रहेगा उस दिन के लिए वो सेलिंग, तो अभी देखो मेरे को इधर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, समझो ये 200 EMA के ऊपर है, और मेरे को बाइंग का अपॉर्चुनिटी, तो कैसे मैं ग्रैब करूंगा,
और आपको ऑप्शन चेंज से समझो ऐसा पता चला कि हाँ अभी हो रहा है जो अनवाइंडिंग हो रहा है और कॉल पे लोग कॉल से निकल रहे हैं और आउट ऑफ द मनी का आप कॉल के ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो पुट के साइड पे बढ़ने लगे। तो आप क्या करोगे, मतलब क्या आपको भी पुट सेल करना है, आपको कॉल पे रहेगा तो एग्जिट कर दीजिए। तो आपको देखो इधर से स्ट्रैटेजी वेरीफाई होने लगा आपका। तो देखो ब्लैक लाइन ये अपना ब्लू लाइन है, मतलब इधर उल्टा रहेगा, ब्लैक सबसे नीचे क्या आना चाहिए रेड लाइन, तो समझो ये ब्लू लाइन ऊपर जाने लगा। देखो इधर से ब्लैक लाइन के पहले ऊपर गया तो इधर आपका क्वांटिटी होता है 250, और जैसे ही ये रेड लाइन देखो इधर नीचे आने लगा ब्लैक लाइन के तो इधर किधर आपका और 250, और देख सकते हैं मूवमेंट। देखिए देखो ये कुछ झूठ नहीं बता रहा, मैंने खुद बैक टेस्ट किया ये। देखिए मैं मेरा एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ और ट्रेडिंग जर्नल आप भी मेंटेन कीजिए। ये लॉस और प्रॉफिट, और कभी कभी मैंने मिस्टेक किया है, ये देखो ये -400 इसका लॉस क्या, मतलब मेरा ट्रिलिंग स्टॉप लॉस है, जो ट्रिलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। ये स्ट्रैटेजी का, ये जो स्ट्रैटेजी इसका सबसे मेरे को बुरी खबर बुरी बात क्या लगती है, आपको एक अच्छा एंट्री मिलता है बट एग्जिट नहीं मिलता। अभी देखो एग्जिट आप किधर करोगे, एग्जिट आपके हिसाब से इधर किधर रहेगा, तो ये एक तो अच्छी बात है। बट अभी आप कभी चौपी देखो, अभी समझो आपने इधर एंट्री किया बट आपका एग्जिट देखो इधर ही, मतलब बाइंग इधर और एग्जिट इधर, मतलब ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है इधर। तो ये चीजें मेरे को पसंद नहीं आती है इसका। बट आप कोई भी कैंडल स्टिक किया और कोई भी अदर फैक्टर है लाइक अनवाइंडिंग है ऑप्शन चेंज का, उससे पता कर सकते हैं कि एग्जिट करना है क्या नहीं। और कैंडल स्टिक लाइक हैमर पैटर्न आने लगा और एक डबल टॉप पैटर्न आया और एल्स कोई एंगलफिन पैटर्न आया, बियरिश एंगलफिन, बुलिश एंगलफिन, वो पैटर्न आया, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मेरा ऑलरेडी है, और नहीं तो नहीं रहेगा तो कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा और एक वीडियो, तो उससे आपको पता चल सकता है कि किधर एग्जिट करना है और किधर एंट्री करना है। और एग्जिट के लिए आपका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जिट पॉइंट क्या रहता है, आपका मैनेजमेंट। समझो कि आपको लग रहा है कि 1:3 का रेशो आया, आपके जो भी कैपिटल है उसके ऊपर आपको लगभग लगभग 70-60% का रिटर्न दिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। 20-30% का रिटर्न आया तो भी आप एग्जिट कर लीजिए, 1:3 का रेशो मिल रहा है, तो आपको ऐसे यूज करना है। और आप ऐसे बेसिकली बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है बट कोई बताएगा नहीं ये। और अपन बैक टेस्ट करते हैं, तो देखो इधर वाला देखो, तो इधर देखो रेड जो ब्लू है वो रेड के ऊपर किधर से स्टार्ट हुआ, इधर से किधर से, ये देखो ये फेज में स्टार्ट हुआ तो ये नीचे आने लगा रेड के, और इसके इधर इधर अपना क्वांटिटी होता है, उसके बाद इधर एक क्वांटिटी होता है, तो 250 इधर 250 उधर, और एक जंप मूवमेंट आप देख सकते हैं। और इधर भी देखो कि डीआई कितने ऊपर, जितना ये जो डीआई का लाइन है ये ब्लैक लाइन, जितना वो ज्यादा सेपरेटेड रहेगा उतना ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब कि समझो इधर ऐसा दिया और ये ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो पोजीशन में बैठे क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट लेगा क्योंकि ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में। और चौपी के टाइम पे देखो ऐसे रहता है, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लीजिए, देखो चौपी के टाइम पे ऐसा रहता है। तो चौपी के टाइम पे आप कोई भी ऑप्शन चेन में स्ट्रैंगल बनाइए, और स्ट्रैंगल बना के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो दिन फ्राइडे नहीं रहेगा और आप स्ट्रैंगल कर रहे हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। डेल्टा देखिए और अदर फैक्टर्स है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं आगे जाके, वो भी देखिए। तो आप स्ट्रैंगल करके पैसा कमा सकते हो इफ चौपी है। देखो मैं दोनों भी चीज़ें बताया, स्ट्रैंगल के लिए बहुत यूट्यूब पर वीडियो है, इफ नहीं रहेगा तो मेरे को बताइए, मैं खुद बनाऊंगा। डेल्टा का वैल्यू क्या रहना चाहिए, उसके बाद थीटा डी के कितना रहना चाहिए, ऐसे करने का स्ट्रैंगल, उस पर बनाऊंगा। चौपी चौपी मार्केट का आपको डायरेक्शन मिल जाता है, ऑप्शन चेन से भी मिल जाता है और इधर से भी मिल जाता है। तो अभी यही है आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया, मैंने उसको बहुत टाइम तक किया और आप एकदम मैक्सिमम एंड प्रॉफिट देख सकते हो उसमें मेरे को कितना आया है। एकदम लगभग लगभग ये प्रॉफिट मेरे को 50,000 के आसपास आया है, और मेरा इसमें मैंने कैपिटल यूज किया था लगभग लगभग 50-60,000 ऐसे मैं यूज कर रहा हूं, मतलब मैं इधर ही बाइंग और सेलिंग कर रहा हूं, तो मैं क्वांटिटी देखता हूं और खुद कैलकुलेशन करता हूं कि हाँ बाबा अभी ये चीज हुई, मार्जिन मिलता है 10x का, तो ये चीज हुई इतने की, तो मैं इतना मेरा कैपिटाइट है। और मैं मेरे कैपिटल के 30-40% यूज करता था, मतलब मैं सिर्फ 60,000 में से 20,000 और 30,000 में ही मैं ट्रेड करता था और बाकी का मैं वैल्यू सेव करता था। मतलब आपको ये वे फैक्टर है, ये डिसिप्लिन है, ये आपको यूज करना चाहिए। मतलब आपके कैपिटल के सिर्फ 20-30% यूज कीजिए, स्टॉप लॉस 1:3 का एग्जिट कीजिए, आपका प्रॉफिट आ रहा है तो 70-60% बहुत हो गया, 40% तो भी आया तो एग्जिट कर लीजिए। तो ये चीज़ें मैं यूज़ करता था और बाकी कुछ नहीं। ये स्ट्रैटेजी आपको अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है, देखो कोई भी इंडिकेटर बेच रहा रहेगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से तो मत लीजिए, ट्रेंड के साथ चलिए। EMA यूज़ कीजिए, 200 EMA, ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, मल्टी टाइम फ्रेम टेस्टिंग कीजिए और
ADX यूज कीजिए, ऑप्शन चेन यूज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यही था आज के वीडियो में, आई एम होपिंग आपको समझ में आया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था, ऑप्शन चेन था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, और ये सब चीजें थी और ट्रेंड थी और ईएमए थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, डिसिप्लिन बताया थोड़ा बहुत मैंने, तो थोड़ा फिर से वीडियो देखे समझ में नहीं आ रहेगा था। और दैट्स इट गाइज, ये और मैं ये चैनल पे बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसका रीजन था मेरे खुद के फैमिली में कोरोना पॉजिटिव आया था और मेरे को भी थोड़े सिम्टम्स लग रहे थे, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, जितना रेस्ट हुआ उतना ज्यादा था। तो दैट्स वाई अभी मैं एकदम मतलब एकदम ये हो गया हूँ, हेल्दी हो गया और कुछ मतलब टेंशन नहीं है, मैं फाइन हूँ अभी। तो अभी इसीलिए तो मैंने बैक टेस्टिंग का रिजल्ट था तो वो मेरे को मतलब करना था तो इसीलिए मैंने कर दिया। तो दैट्स इट गाइस, तो चलो बाय बाय, खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। So back to what I was saying.